साइबर दीवाना। भाभी जी पाए लागो। भाभी कहते हैं कि इंसान को कोई भी बात अपने मन में दबाकर नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए। सही बात है। अब एक आदमी को खाने के लिए ढंग का खाना नहीं मिला तो उसने गाने में कहा है, मीट ना मिला रे मन का। हालांकि मीट खाना बुरी बात है, लेकिन कोई भी बात अपने मन में दबा कर रखना ये भी बुरा है। भाभी जी एक मैं हूँ, मेरे जबान पर कोई बात आती है या फिर कोई खबर आती है, मैं तुरंत उसे बोल देता हूँ। आज भी ढेर सारी खबरें भाभी जी, सब बताऊंगा, हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा, आपको एंटरटेन करूंगा, लेकिन पहले उन सभी स्पेशल खबरों की एक झलक देख लेते हैं। प्यार के लिए रॉकी होगा कुर्बान। जब तक मैं हूँ मेरी फैमिली के पीछे, उनको एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। ऋषि की जिंदगी में आया भूचाल। तूने तनु की यादों का खून किया। नायरा के लिए घर वालों का प्यार। भाभी जी के घर पर न्यू ईयर का जश्न शानदार। सीरियल नागिन के अंदर शिवांगी को मारने के लिए कातिलों की लाइन लगी है। अब आपकी तालियों के बीच में आ रहे हैं छठवें नंबर के कातिल। तालियां तालियां भाई, तालियां तालियां तालियां। एक मिनट भाई साहब, इज्जत नहीं दे रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको भाग जाओ, निकल लो। छठवें नंबर के कातिल हो, इतना मारेंगे ना छठी का दूध याद आ जाएगा। भागो, आप छह नंबर की बस आ रही है, पकड़ लो, तुरंत पकड़ो, जाओ जाओ भागो। पैसे नहीं है, मैं देता हूँ, एक मिनट पकड़ो तो। तुम भाई साहब, पैसे मेरे पास भी नहीं है, तुम बस में चढ़ जाओ, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, निकलो निकलो। कैश कैश बाय। आज अपनी जान दे देगा रॉकी, आज जहर खाकर फना हो जाएगा रॉकी। शिवांगी के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए मौत को गले लगाएगा रॉकी। वो तो भला हो शिवांगी का जिसने एंड मौके पर आकर रॉकी को जहर के प्याला पीने से रोक लिया और रॉकी को गले लगा लिया। ये जहर मैं तुम्हारे लिए पीऊंगा शिवांगी, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, दिल से, आत्मा से, सच्चा प्यार किया है। मगर अब रॉकी करता है शिवांगी से नफरत, वो नफरत जो गहरे प्यार से शुरू हुई, मगर शिवांगी के इंतकाम ने रॉकी की मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। क्या चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में शिवांगी? What's going on? बताओ शिवांगी, क्यों आई वापस मेरी जिंदगी में? क्यों किया प्यार का नाटक? क्यों की मुझसे शादी शिवांगी? For what? दरअसल हुआ ऐसा कि मंदिर में कातिल ने किया शिवांगी पर हमला, मगर तभी रॉकी ने आकर इस मकसद को नाकाम कर दिया और जमकर की उस कातिल की धुलाई और शिवांगी को बचा लिया। और इसी के साथ रॉकी के सामने आ गया शिवांगी का सच। रॉकी को पता चल गया शिवांगी का राज, नागिन की असलियत खुल गई रॉकी के सामने। रॉकी को पता चल गया कि शिवांगी उसके परिवार की दुश्मन है और वो ले रही है इंतकाम, और यही सवाल आज वो अपनी शिवांगी से पूछ रहा है। ना तुम इस प्यार में, ना इस रिश्ते में, ना इस शादी में, ना वो ना, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं होता शिवांगी कि तुम और रुद्र मिलकर मुझे मारना चाहते हो। रॉकी को अब इस बात का एहसास भी नहीं कि शिवांगी ने ही आज उसे जहर पीने से रोका है, बल्कि वो तो ये सोच रहा है कि शिवांगी ही उसके और उसके परिवार की जिंदगी में जहर घोल रही है। शिवांगी अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आपके इंतकाम ने आपकी मोहब्बत को आपका दुश्मन बना दिया। वैसे भी शिवांगी रॉकी को भी कातिल ही समझती है। अब ऐसे हालात में रॉकी और शिवांगी के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। अब तो दीवार कैसे गिरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल कसम के अंदर कई दिनों से करवा चौथ का व्रत चल रहा था। कल क्या हुआ, हमारी जो तनुजा जी है ना, वो बेहोश हो गई, लेकिन ऋषि भैया ने उनको बचा लिया, उनको संभाल लिया। मतलब तनुजा जी, जब नहीं रखा जा रहा था व्रत तो क्यों रखा बताइए? हमारे पड़ोस में एक आंटी है,
करवा चौथ पे उन्होंने व्रत रखा। शाम शाम तक उनकी ऐसी हालत हो गई कि अंकल ने दुआ मांगी भगवान से कि हे भगवान इनको होश में ले आओ, इनको ठीक कर दो, मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा। बताइए उनके व्रत के चक्कर में अंकल को 16 सोमवार के व्रत पड़ गए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। फूट फूट कर रो रहा है ऋषि, आंसू बहाकर अपने गम दूर कर रहा है ऋषि, शराब का सहारा लेकर सब कुछ भूल जाना चाहता है ऋषि। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। जब से शादी हुई है ऋषि की तनुजा से, तब से ऋषि की जिंदगी में भूचाल सा आ गया है और अब तो शराब का सहारा लेने लगा है ऋषि। कोई बहुत ही उदास हो या कोई बहुत किसी दर्द से गुजर रहा हो तो वो अक्सर जो है शराब पीता है। तो मैंने भी आई थिंक कुछ सीन्स किए हैं जिसमें मैं अकेले बार में बैठ के पी रहा हूँ। तो यहाँ भी आई थिंक वॉज वेरी हार्ड ब्रोकन कि मेरी मॉम ने कहा कि मैंने तनु को बहुत चीट किया है क्योंकि मैं तनुजा पर बहुत विश्वास किया। सो इट वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर मी और मैं इसे ले नहीं पाया। तो अब नेक्स्ट रिजॉर्ट होता है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा। अब और कर भी क्या सकता है, एक तरफ तनुजा है जिसके साथ उसका जन्म जन्म का संबंध है और एक तरफ है उसकी माँ जो किसी भी हालत में ऋषि और तनुजा की शादी को स्वीकार नहीं कर पाई है और इसीलिए दिन रात रानो ऋषि और तनुजा को लेकर ताने मारती है। बस आज मैंने ये कसम ही नहीं तोड़ी है बल्कि मुझे तोड़ दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। तनुजा को गलत साबित करते करते तूने मुझे गलत साबित कर दिया है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो लड़की इस घर में रहे पर तूने रहने दिया। मैं कभी भी नहीं चाहती थी वो लड़की व्रत रखे पर तूने करने दिया। गलती की है उसने, सुनते ही नहीं है मेरी बात। हर बार मैं समझाती हूँ, मुझे प्रॉमिस करता है पर जैसे ही तनु का चेहरा देखता है पता नहीं उसको क्या, तनुजा का चेहरा। सही बात है, जब हम बेवकूफ़ बन जाते तो वो बेचारा क्या करेगा, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, मरते दम तक लगी रहूंगी कि ये तनुजा निकल जाए यहाँ से। यहाँ ऋषि नशे में चूर है तो वहाँ तनुजा और मलाइका का तकरार जारी है। घर वाली और बाहर वाली तूतू मैमे में बिजी है। मलाइका को इस बात से एतराज है कि बेहोशी की हालत में ऋषि ने तनुजा को पानी पिलाया और उसका करवा चौथ का व्रत सफल हुआ, मगर अब तनुजा ने भी तय कर लिया है कि वो मलाइका का भांडा फोड़ कर रहेगी। But I'm hoping that finally जो है ऋषि will take a stand and he will get to know that तनुजा is the real तनु, which is very important. I think हमारी ऑडियंस भी अब जानना चाहती है, it's high time. तनुजा अब करेगी मलाइका का पीछा और पता लगाएगी कि चुपचाप मलाइका किससे मिलती है। पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। बचपन में जब मैं नाचा तो पापा गुस्सा हुए, रियलिटी शो में नाचा तो जज गुस्सा हुए, ऑफिस में जब हमारे बॉस गुस्सा करते हैं तो हम नाचते हैं, हमें नचवाते हैं वो। कहने का मतलब ये है कि गुस्सा कोई और करता है, नाचता कोई और है। अरे यार, इंसान वो होता है जो खुद ही गुस्सा करे और खुद ही नाचे, जैसे कि सीरियल ये रिश्ता की नायरा है। देखिए, खुद ही गुस्सा कर रही है, खुद ही नाच रही है। रही है कदम, पैर में घुंघरू बांध कर वो भर रही है गुस्से का दम। शादी की उलझन में नायरा ऐसे उलझी कि माँ के जाने का दर्द उनके पैरों की थाप पर छलक आया और उन्हें इस तरह से थिरकता देख गायों ने काफी समझाया।
पर नायरा को मानो किसी का समझाना समझ नहीं आया, बल्कि वो तो अपनी ही दुनिया में उलझी रही। नायरा की आदत है कि जब भी कुछ होता है व्हेन शी स्ट्रेस्ड आउट और व्हेन शी इज हैप्पी और वरीड और एनीथिंग शी डांसेस। तो अभी ये हो रहा है कि बिकॉज शादी की बात पक्की हो चुकी है कार्तिक से, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है एंड बीइंग द एल्डर सिस्टर मैं उसको जाके रोकती हूँ कि नायरा ये क्या कर रही है एंड बहुत मज़ा आने वाला है अभी क्योंकि नायरा की शादी होने वाली है एंड कुछ होने वाला है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फन। यस एनी डे ज़्यादा है बिकॉज शी इज़ वॉजंट प्रिपेयर्ड, उसको बिल्कुल नहीं पता था नबी अक्षरा के साथ जो भी हुआ तो सब बाहर नहीं आया उस चीज़ से, बट सब कुछ देखना है, फैमिली को भी देखना है उसे एंड उनकी फैमिली को भी देखना है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही तो ऐसे वो अकेली अपना अग्रेशन निकाल दी तो मैं और मिष्टी जाके उसको थोड़ा रिलीफ स्ट्रेस रिलीफ करते हैं। दरअसल नायरा के घर शुरू हो गया शादी का जश्न जहाँ पूरा परिवार नाच गा रहा है होकर मग। रिया जी के देश जाने की तैयारी हो रही है, फाइनली सब कुछ सही हो गया है, कार्तिक के फैमिली वाले राज़ी हो गए हैं, मेरी फैमिली वाले तो राज़ी थे ही, वो चाहते ही थे क्योंकि नायरा लाइफ में आगे बढ़े और मम्मा का हमेशा से सपना था कि यू नो मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरी उसी से शादी हो और वो उन्हें पता था ऑफकोर्स कार्तिक के बारे में तो वो चाहती थी कि मेरी शादी कार्तिक से हो। इनफैक्ट वो मेरे लिए शादी का लहंगा भी बनवा देती हैं पहले से मुझे सरप्राइज़ देने के लिए जो हमें अब मिलता है और जिस वजह से शादी की बात शुरू होती है। तो कार्तिक की फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि कार्तिक के पापा पहले अगेंस्ट थे, फिर यहाँ भी हमारे घर में भी प्रॉब्लम थी शुरू में कि अभी से इतनी जल्दबाजी क्या है, पर अभी फाइनली सब सही हो गया है। और पिता से होने वाली विदाई का दुख ऐसा है कि नैतिक की आंखों से छल के आंसुओं को नायरा ने गले लगा कर रोका है। इमोशनल है क्योंकि बेटी अब उनसे दूर हो जाएगी, उनकी बेटी घर से चली जाएगी और गायुदी छेड़ रही हैं, वर्षा मामी छेड़ रही हैं, सब सता रहे हैं मुझे, सब चिढ़ा रहे हैं, तो मैं खुद शर्मा शर्मा की भागती हूँ तो उतने में सब मुझे रोक के मेरे चारों तरफ डांस करने लग जाते हैं। वहीं पूरे परिवार को है एहसास कि घर की चिड़िया जल्दी हो जाएगी यहाँ से आजाद, पर नायरा का दिल मानो नहीं दे रहा इस बात की गवाही कि बिन माँ हो जाए उसके अपने घर से उसकी विदाई। दिव्या बंसल के साथ प्रिया चौहान, न्यूज 18 इंडिया। भाभी कल एक पत्नी ने खुशी खुशी अपने पति से पूछा, जानू एक बात बताओ, अगर कल को मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? वो बोला, अरे कैसी बात कर रही हो यार, अगर तुम खो गई तो मैं अखबार में इश्तिहार छपवाऊंगा। ओ माय गॉड, तुम उसे इतना प्यार करते हो, अच्छा अखबार में लिखवाओगे क्या वो तो बताओ। यही कि जिसको मिल जाए वो रख ले। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी। जिनकी बस्ती थी एक दूसरे में जान, आज वही खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही चल रहा है सीरियल साथिया का हाल, जहाँ चल रहा है सास बहू में संग्राम। दरअसल कोर्ट में होने वाली है एमके केस की सुनवाई, जहां गोपी दे रही है जग्गी का साथ जिसको समझती है कोकिला अहम का गुनहगार, इसीलिए तो सुना रही है गोपी को खरी खोटी इस बार और साथ ही दे डाला गोपी को चैलेंज। यहां क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो तुम अपने प्यारे पति को बचाने की, मेरी और तेरी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना अंदर कहना। बस मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है, यदि तुम्हें दलील देनी है तो जज के सामने दे। भाई सास का चैलेंज क्या कम था जो आ गई एक नई मुसीबत। अरे भाई जग्गी को दिलाना है इंसाफ तो सबूत भी तो होने चाहिए ना खुद के पास, जो फिलहाल लग रहा है नामुमकिन। यहाँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है?
भाई भी नहीं आए, चलो कहना चाहिए। अरे भाई वो कहते हैं ना, जो होते हैं सच्चे इंसान उनके साथ कभी बुरा नहीं करते भगवान। तो लीजिए, गोपी की परेशानी का भी मिल गया यहाँ हल, क्योंकि गौरा और श्रवण ने पकड़ जो लिया अहम का कातिल। मैं और बाजी मनोज को पकड़ने आए थे जो कि अहम का कातिल है, तो ये मुझे बोलती हैं चल बेटा हम पकड़ के लाते हैं। और हम एक्चुअली पकड़ने नहीं आते, हमको अचानक दिख जाता है कि गाड़ी की डिक्की में से कोई गिर गया और पता चलता कि वो मनोज ही है, तो मैं बोलती हूँ उसे कि पकड़ ले और चल अंदर लेके जा। हाँ जगह, हाँ जगह छूट जाएगी, निर्दोष है ना, तो फिर वो छूट जाएगा। मतलब जल्द ही मिलेगा जग्गी को इंसाफ, जिसके बाद खत्म होगी सास बहू की नफरत की दीवार और एक बार फिर लौट आएगी सीरियल में खुशियों की बहार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी मैंने लोगों से कहा है आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करिए, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पे, उसका सॉल्यूशन मैं यूं दूंगा। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है। अरे एक मिनट, किसी ने सवाल पूछा है। माना कि लड़के के घर वालों का लड़की के घर वालों से दहेज मांगना पाप है, पर लड़की वालों को सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर लाखों के पैकेज वाला लड़का ही ढूंढना, ये कौन सा पुण्य है? बात तो बिल्कुल सही है। ये भेजा किसने है? अखिल भारतीय 10वीं 12वीं अनुत्तीर्ण एवं सप्लीमेंट्री संघ। सौम्या, ये सुरभि का प्यार ही था जो सौम्या को ढूंढ कर ले आया। और हरमन की चाहत कि सौम्या को ना चाहते हुए भी घर वापस आना पड़ा। प्रीतो के कहने पर सौम्या अपना ससुराल तो छोड़कर चली गई थी, लेकिन हरमन का दिल मानने को तैयार नहीं था कि सौम्या उसे इस तरह से अकेला छोड़कर जा सकती है। पर लगता है भगवान को कुछ और ही मंजूर है। जब जब हरमन और सौम्या को अलग करने की कोशिश की गई, किसी न किसी जरिए से दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। आज जरिया बनी सुरभि, जो अपनी बहन को अपने से कभी अलग नहीं होना देना चाहती। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं। लेकिन इन सब के बीच सुरभि अपनी सोमोदी से काफी नाराज है, क्योंकि उसकी वजह से पूरे घर को परेशानी उठानी पड़ी। देंगे नहीं, और इसीलिए वो कर लेती है खुद को एक कमरे में बंद। वो घर छोड़कर चली गई थी एंड उसकी वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, हरमन, मुझे, नानी को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो इस बात से गुस्सा हूँ मैं सौम्या से। पर इसमें बेचारी सौम्या भी क्या करे, एक किन्नर होकर उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कोई उसी से पूछे। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो सब भूल कर उसे उतना ही हक मिले जितना सबको मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव उस पर रहता है हमेशा, जिसकी वजह से उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। एंड उसी वजह से हम गुस्सा है कि किसी के बारे में सोचा नहीं उसने। जिस तरह से सौम्या और हरमन को अलग नहीं किया जा सकता, इन दो बहनों को भी अलग करना मुश्किल है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो
भाई वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मेरे चारों तरफ अच्छी अच्छी भाभियों का घेरा है, मेरे चारों तरफ अच्छी अच्छी भाभियों का घेरा है, और भाभियां मुझे देखकर कहती हैं, टेढ़ा है मगर मेरा है। एक सर्वे से पता चला है कि हमारे देश में दो प्रकार की लड़कियां हैं, एक वो जो अपने बलबूते पर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और दूसरी वो जो आज भी इस बात में उलझी हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। भाभी जी के घर में न्यू ईयर की पार्टी नहीं ले रही है रुकने का नाम, एक एक करके सब कर रहे हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अंगूरी भाभी की इस धमाकेदार डांस से शुरुआत, जहां तिवारी जी ने भी दिया अंगूरी भाभी का पूरा साथ। साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। अंगूरी भाभी के लटके झटकों के बाद चलिए चलते हैं गोरी में, यानी कि अनीता भाभी के पास, जिनकी अदाएं भी नहीं है किसी से कम, और साथ में अगर उनके विभू हो उनके संग तो बस फिर क्या, फिर तो मजा ले लेकर महफिल में चढ़ जाता है रंग। डांस का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ जनाब, अभी तो अनीता भाभी का एक सोलो परफॉर्मेंस है बचा हुआ, जो है काफी खास। अब बारी है टीका और मलखान की, भले ही दोनों थोड़े बिगड़े हों लेकिन दिल से दोनों काफी शरीफ हैं, क्योंकि ये हमारे देसी बॉयज हैं। लगता है सबकी परफॉर्मेंस देखकर तिवारी जी हैं काफी खुश, इसीलिए कर रहे हैं भाभी जी की टीम की तरफ से सबको न्यू ईयर विश। नए साल के अनेकों अनेकों शुभकामनाएं भाभी जी घर पर रहकर तमाम कलाकारों की ओर से, थैंक यू। तो इस तरह हुआ भाभी जी के घर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जहां सबने किया काफी एंजॉय विदाउट एनी टेंशन। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया।
परदेश में है मेरा दिल इस सीरियल के अंदर हमारे राघव भाई गाड़ी ठीक कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो गाड़ी के नीचे आते आते बचे, लकी गए। लेकिन हर किसी की किस्मत आपकी तरह नहीं होती है राघव भाई। हमारे एरिया में एक अंकल, उनकी भी गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी के नीचे घुस कर वो गाड़ी ठीक कर रहे थे, फिर क्या, गाड़ी उनके ऊपर गिर गई। जो अंकल हर रोज चार पहिए पे निकलते थे, अगले दिन चार कंधों पर निकले। जब तक नैना की डोर राघव के साथ बंधी रहेगी, तब तक उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शायद इसी को कहते हैं सात फेरों का सर। तभी तो नैना के महज एक फोन कॉल ने ही राघव की जान बचा ली। She is good luck. That's what scene का मुद्दा है। That एंड मोमेंट पे राघव गाड़ी के नीचे है और वो जैक खराब है और ही गेट्स नैनास कॉल, वो देखता है और वो बाहर निकलता है आंसर करने के लिए और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकल, गाड़ी नीचे गिर जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल हुआ यूं कि वीर मियां काफी अरसे बाद निकले ऑफिस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में हो गई गाड़ी खराब, जिसको चेक करने के लिए राघव पहुंचे गाड़ी के नीचे। ऑफिस के लिए लेट हो रहे वीर राघव को वहां छोड़कर चल दिए। अ गाय लाइक वीर, जो कभी ऑफिस नहीं जाता है, जो काम करना पसंद नहीं करता है, वो अगर ऑफिस जा रहा है तो अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो उसके लिए नई बात नहीं है। इट्स समथिंग दैट हैज टू हैपन विद हिम, सो बैड लक नहीं, मे बी इट्स हिज वे ऑफ लाइफ। गाड़ी से हो रहा था ऑयल लीक, जिसको ठीक करने के लिए राघव ने निकाला गाड़ी से जैक। अब उनको क्या पता था कि जैक है खराब और कभी भी दे सकता है धोखा। वीर ने भी राघव को नहीं बताया, पर तभी आया नैना का फोन, जिसको रिसीव करने के लिए राघव बाहर निकले और तभी जैक ने भी छोड़ दिया गाड़ी का साथ और कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी में लग गई आग। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ प्लान थी, ये वीर ने प्लान नहीं किया था या किया था, दैट यू गाइस नीड टू फाइंड आउट, बट जो भी था काफ़ी विलिंगली था, वीर ने चाहा ऐसा करना, पर क्यों किया, कैसे किया, दैट यू गाइस विल फाइंड आउट। वो तो भला हो नैना का कि फोन कॉल के चक्कर में राघव को गाड़ी से जाना पड़ा दूर और तभी हो गया ये हादसा। वीर की चाल नहीं थी, लेकिन वीर को पता था कि जैक उसको दिख रहा था कि थोड़ा हल्का सा लूज है, खराब है, लेकिन वो उसे देखते हुए इग्नोर करते हुए चला जाता है। तुम हो पास मेरे, यानी नैना ही है राघव की लेडी लक, जिनके साथ राघव का कुछ ऐसा है किस्मत कनेक्शन कि जब जब राघव के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, नैना विघ्न हर्ता बनकर सामने आएगी। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाई अपनी पत्नी को छेड़ने से पहले 10 बार सोच लीजिए। जी हाँ, कल एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, जानू एक बात बताओ, तुम मुझे रानी क्यों बुलाते हो? वो बोला, वो क्या है ना, नौकरानी मुझे लंबा पड़ता है, इसलिए रानी बुलाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे जान क्यों बुलाती हो? मुझे भी जानवर लंबा पड़ता है। बढ़िया, अनीका के बीच हुई अनबन। शिवाय है जिसका कारण, दरअसल टिया बनने वाली है माँ और कर रही है दावा होने वाले बच्चे का बाप है शिवाय। दो डीएनए टेस्ट हो चुके हैं और दोनों में यही प्रूफ हुआ
वो बच्चा शिवाय का। लेकिन अनिका नहीं है इस बात को मानने के लिए तैयार, क्योंकि उसे शिवाय पर है पूरा भरोसा और इस बात का है यकीन कि शिवाय ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए अनिका देती है टिया को धमकी कि वो शिवाय को साबित करके रहेगी बेगुनाह। टिया, आज तक लड़ाई तुम्हारी मेरे बीच थी, लेकिन आज से लड़ाई एक पत्नी और एक सौत के बीच हो गई। और अगर देश की पत्नियां अपने पे आ जाए तो सौत का बैंड बजा के रखेंगे। अनिका को लग रही है इसमें टिया की कोई चाल, क्योंकि टिया चाहती है अनिका को शिवाय की जिंदगी से दूर करना। कुछ तो झोल है, कुछ तो लोग मिले हुए हैं और उनके रिपोर्ट बार बार यही दिखाते हैं कि बेबी टिया और एसएसओ का है। सो यू नो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम क्या करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया करती है टिया से सवाल कि कौन है उनके होने वाले बच्चे का बाप, तो बड़े ही सटल तरीके से टिया करती है कबूल कि हाँ वो है प्रेग्नेंट और शिवाय ही है उनके होने वाले बच्चे का बाप। टिया जी, क्या बाकी प्रेग्नेंट है? प्लीज अब जवाब दीजिए, जवाब चाहिए हमें प्लीज। Yes, it's true. I am pregnant. और शिवाय, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश है, but please, I request you कि इस खुशी में हमें थोड़ी प्राइवेसी दीजिए। अब बेचारी अनिका करे तो क्या करे, कैसे टिया के मायाजाल से निकाले शिवाय को बाहर। बहुत अच्छा कर रखा है उसने, तो जब मैं और एसएसओ देखेंगे भी कि ये कर रही है तो भी ऑफ कोर्स एसएसओ नोज दैट ये सब पर्पसली कर रही है, सो आई डोंट नो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या अनिका कर पाएगी इस बात को साबित कि शिवाय नहीं है टिया के होने वाले बच्चे के बाप, या टिया की घटिया चाल हो जाएगी कामयाब। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि देवर जी, अगर याददाश्त बढ़ाना हो तो ड्राई फ्रूट्स खाओ। कल रात को ना मैंने पानी में बादाम भिगाए और मेरी याददाश्त देखो, सुबह मैं बादाम ही खाना भूल गया। हालांकि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाय द वे गलती से अगर मैं कोई खबर सुनाना भूल जाऊं तो हमारी खबरी भाभी है ना, वो कब काम आएंगी, वो सुना देती है। तो आइए ना खबरी भाभी के मुंह से आज की कुछ स्पेशल और कुछ मेरी भूली हुई खबर सुनते हैं। खबरी भाभी, राम झूठ न बुलवाए सकी, आपको ना सबसे पहले दिखाते हैं अपनी निया शर्मा का हार्ट फोटोशूट। इन फोटो में ना निया एकदम कहर बरपा रही है, एकदम सही देखे हैं आप। खबरी भाभी, राम झूठ न बुलवाए सकी, हम सुने हैं कि अपने राजा रानी को बहुत चोट लग गई है। एक ठो सीन की शूटिंग के दौरान ना दोनों को भागना था और भागते भागते रास्ते में एक ठो पत्थर आ गया, दोनों उसे टकराए और गिर पड़े और लग गई चोट। हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी, राम झूठ ना बुलवाए सकी, अपने मनीष है ना मनीष ऊना, जल्दी मराठी पिक्चर में नजर आएंगे और ना बच्चों के साथ शूटिंग करेंगे शूटिंग। हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी, घर की बहू अगर पढ़ी लिखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से हंसी छूट जाती है। कल एक घर में हवन चल रहा था, सास ने बहू से पूछा, बहू एक बात बताओ, ये पान के पत्ते पर लाल लाल क्या रखा हुआ है? बहू बोली, क्या है न माँ जी, पंडित जी ने कहा था पांच फल लाने के लिए, तो मार्केट में मुझे पांच फल मिले नहीं, इसलिए मैंने जैम रख दिया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं करेंगे, हम हैं बेटे हम बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। नीली छतरी वाले शिवाय का आज देखिए पार्टी वाला अंदाज। भाई नया साल आने को है तो बस शिवाय यानी हिमांशु सोनी ने अपनी बेटर हाफ शीतल के साथ मिलकर प्लान की न्यू ईयर से पहले खास पार्टी, जहां पहुंचे उनके सभी खास दोस्त। ये सारी प्लानिंग तो हमेशा
लिखा है ऑलवेज राइट, प्रिंसेस इज ऑलवेज राइट ना, तो उसी की प्लानिंग होती है, वही सब करती है। और हमारे जितने भी खास दोस्त हैं वो काफ़ी मतलब ये बिजी रहती है, कई बार मैं बिजी रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इस तरीके से गेट टुगेदर रख लेते हैं, तो सब लोगों का मिलना हो जाता है, देन सब लोग आते हैं हैप्पी और मस्त। आइडिया तो ऑलवेज ना हो तो प्री न्यू ईयर पार्टी का ये प्लान उनके दोस्तों को भी खूब भाया, इसीलिए जिनको भी अपने काम से फुर्सत मिली वो हिमांशु के बुलाने पर पार्टी में पहुंच गए। यार बड़ी अच्छी शाम है और बुद्धा ने बुलाया है, हम चले आए हैं, अच्छा लग रहा है यार, सारे दोस्त मिले हैं, आप लोग भी आए हैं, मज़ा आ रहा है। और 31 तारीख से पहले पहले कई ऐसी शामें होंगी जो दोस्तों के साथ गुजारी जाएंगी। मुझे म्यूजिक हिट करता है तो जैसे मैं फ्लोर पे जाऊंगी मेरा एंजॉयमेंट शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा डांस करती है कि कॉम्प्लेक्स देने के लिए बस यही आती है मेरे सामने। हिमांशु और शीतल दोनों ही हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आके इन लोगों के साथ में सन डाउनर पार्टी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत और बड़ा उत्तेजित करने वाला, अंग्रेजी में इसको एक्साइटेड कहेंगे, एक्साइटमेंट वाला कहेंगे। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए निंदेरे, भाई न्यू ईयर से पहले का जश्न था इतना शानदार, तो भाई न्यू ईयर में तो मचने वाला है जबरदस्त धमाल। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाई वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि ये अजीब सी दुनिया है जहाँ पर कंप्यूटर ने इंसान को गुलाम बनाया है, ये अजीब सी दुनिया है जहाँ पर कंप्यूटर ने इंसान को गुलाम बनाया है, जबकि कंप्यूटर ने इंसान को नहीं, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। आम तौर पर कहा जाता है भाभी जी कि लड़ाई का कारण होता है पैसा, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर पैसों का कारण है लड़ाई। जी हाँ, जितना ज़्यादा लड़ेंगे उतनी ज़्यादा टीआरपी आएगी, जितनी ज़्यादा टीआरपी आएगी उतना ज़्यादा पैसा। अंदर की बात है, किसी को बताना मत भाभी जी, पता चले आपने किसी को बोल दिया फिर मैं डांट खा रहा हूँ, नहीं बोलोगे ना, प्रॉमिस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जोश से, अरे आपको खबर दिखाते हैं बिग बॉस से। प्रियंका कपड़े, ये जो कपड़े हैं स्विमिंग पूल में जाते हैं। हाँ फेंक दो, धमकी किसको दे रही हो, डरती हूँ क्या मैं तुमसे यहाँ पे? कौन सी तबीयत खराब है, देखा मैंने बॉडी टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, माफ कर दो। आप लोग 10 हफ्तों से बिग बॉस के इस घर में अपने परिवार, अपने चाहने वालों से दूर रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अपने इन परिजनों को काफी याद कर रहे होंगे और आप में से हर किसी को अपने इन परिजनों को मिलने की काफी इच्छा भी हो रही होगी। आज बिग बॉस आपको एक कार्य सौंप रहे हैं जो आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकता है। बिग बॉस आपको एक कार्य सौंप रहे हैं जिसका नाम है फैमिली ऐप। इस कार्य के चलते एक्टिविटी एरिया को एक ऐप रूम में बदला जा रहा है। स्वामी ओम और मनु इस घर की बैटरीज होंगी। घर के बाकी सभी सदस्यों के पास मौका होगा ऐप रूम में जाकर इस ऐप के जरिए अपनी इस खास इच्छा को पूरा करने का और अपने परिवार और चाहने वालों से आज संपर्क करने का। Oh my God, my brain. प्रियंका, आपके सामने स्क्रीन पर चार विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है अपने बच्चों से 2 मिनट के लिए मिलना। आपका दूसरा विकल्प है अपने बच्चों से 10 मिनट के लिए मिलना। तीसरा विकल्प है अपने बच्चों द्वारा लिखा हुआ संदेश प्राप्त करना। और आपका चौथा विकल्प है अपने बच्चों से फोन पर बात करना। अब आप फैसला लें कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहती हैं। मुझे 10-60 वाला चाहिए। एलेक, जर्मेन,
मेरे पास आ जाओ प्लीज। देखो इन्हें ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से आपकी मम्मी हमेशा याद करती है। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल क्या चाहिए तुम्हें बोलो आपको क्या चाहिए मुझे तुम लेना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे यार तू बहुत सुंदर है यार तेरे पापा जैसा आप भी बहुत सुंदर हो थैंक यू ओह माय गॉड क्यों आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं हम बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे वैसे बाय जमानदार मैं आपसे दुखी हूँ एक्चुअली सर मैं गंदा इंसान नहीं हूँ सारी चीजें मैं 24 घंटा देखता हूँ सारी चीजें 8 साल से रिलेशन है लेकिन 60 दिन की दोस्ती ने वाट लगा दी आप बोलते हो एक लड़की के सामने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बोला जाता है कि कितना गंदा इंसान है नो नहीं नहीं मेरी बात नहीं अरे आप कौन बता रहे हो मेरे को बताओ मैं भी एक्टर हूँ तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना भाभी तेरा देवर दीवाना।